बच्चों के लिए माँ के संघर्ष की कहानी। फिल्म की कहानी भी इसी दर्दनाक घटना से शुरू होती है, जब नॉर्वे सरकार के नियमों के मुताबिक चाइल्ड वेलफेयर विभाग वाले देविका रानी मुखर्जी और अनिरुद्ध चटर्जी अनिर्बन भट्टाचार्य के दोनों बच्चों शुभ और शुचि को उठाकर ले जाते हैं। उन्हें फास्टर होम में रख दिया जाता है। वजह बताई जाती है कि 10 हफ्तों की निगरानी के बाद देखा गया है कि देविका हाथ से अपने बच्चों को खाना खिलाती है, माथे पर टीका लगाती है, बच्चे को साथ सुलाती है। यहाँ से शुरू होती है देविका की अपने बच्चों को वापस पाने की जद्दोजहद। अनिरुद्ध नॉर्वे की नागरिकता पाने में इतना उलझा हुआ है कि उसे देविका का दर्द नहीं दिखता। सब मिलकर देविका को मानसिक तौर पर बीमार साबित करने में लग जाते हैं। देविका नॉर्वे से लेकर भारत सरकार तक हर किसी से मदद मांगती है। क्या वह कामयाब होगी, इस पर कहानी बढ़ती है। मेरे डैड की मारुति जैसी कॉमेडी फिल्म बना चुकी आशिमा छिब्बर ने इस फिल्म को संवेदनशीलता से बनाया है। हालांकि फिल्म कई जगहों पर भावनाओं का संतुलन नहीं साध पाती है, पर अंत तक उस मुकाम पर पहुंच जाती है जिसके लिए बनाई गई है। शुरुआत में फिल्म से जुड़ने में समय लगता है क्योंकि कहानी तेजी से भागती है। जितनी देर में आप समझेंगे कि माँ से बच्चों को छीन लिया गया है, तब तक वह शॉट निकल भी जाता है, जबकि वही सीन फिल्म की नींव है। कई जगहों पर हिंदी के अलावा बांग्ला और नॉर्वेजियन भाषा का प्रयोग किया गया है। हो सकता है कई लोगों को समझने में दिक्कत हो, हालांकि सीन के बहाव में वह रुकावट नहीं लगता। दिल में भारीपन तब महसूस होता है जब कोर्ट में अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में एक माँ अपने भारतीय तौर तरीकों को भूलकर नॉर्वे के अंदाज में अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए हर शर्त मानने को तैयार होती है। फिल्म में भारत और नॉर्वे के कोर्ट में दो ऐसे सीन हैं जहां पर आंखें नम होंगी। तथ्य को बल देते हैं संवाद। फिल्म का संवाद मेरे लिए यही सही है कि हम अपने दोनों बच्चा लोग के लिए लड़ूं, ये कोर्ट में, अगला कोर्ट में, जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा, दुनिया का कोई भी जगह, वहां जाकर हम लड़ूंगा। एक माँ के अटल विश्वास को दर्शाता है कि वह अपने बच्चे पाकर रहेगी। मैं कमाता हूँ, वह घर का ख्याल रखती है, एक ही काम था बच्चा संभालने का, वो भी नहीं हो पाया। ऐसे संवादों से आशिमा उन घरों की झलक दिखा जाती है जहाँ पितृसत्ता है। घरेलू हिंसा का मुद्दा भी वह सही तौर पर छूती है। रानी ने बताया था कि इस फिल्म को करने से पहले वह सागरिका से नहीं मिली थी, फिर भी वह सागरिका के दर्द, गुस्से और संघर्ष को महसूस कर पाई। देविका के व्यक्तित्व में एक बदलाव है। जैसे जब तक वह सिर्फ एक पत्नी है, वह पति की मार सहती है, लेकिन जब उसके बच्चे उससे दूर होते हैं तो वह किसी घायल शेरनी से कम नहीं होती। जब उसे पति थप्पड़ मारता है तो वह जोर से घुमाकर थप्पड़ मारती है। तड़पती माँ के किरदार में रानी की दमदार अदाकारी, कमजोर पत्नी से बच्चे के वियोग में गुस्सेल और तड़पती माँ का यह शिफ्ट रानी ने विश्वसनीयता से दर्शाया है। नॉर्वे के वकील डेनियल सिंह सियोपिक की भूमिका में जिम सरफ और भारत की वकील मिस प्रताप की भूमिका में बालाजी गौरी, दोनों का ही काम सराहनीय है। मुख्य कलाकार रानी मुखर्जी, अनिर्बन भट्टाचार्य, जिम सरफ, बालाजी गौरी। निर्देशक आशिमा छिब्बर। निर्माता मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी, निखिल आडवाणी। लेखक आशिमा छिब्बर, समीर सतीजा और राहुल हांडा। अवधि 135 मिनट। रेटिंग 3। आशिमा छिब्बर निर्देशित फिल्म में रानी मुखर्जी ने ऐसी मां का किरदार निभाया है जो अपने बच्चों की खातिर जद्दोजहद करती है। 17 मार्च को रिलीज हो रही मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म वास्तविक कहानी पर आधारित है।